Guys, I am traveling to Amsterdam via undersea train from London, and I am super excited about it. इस व्लॉग में आपको ट्रेन जर्नी बॉलीवुड और यूरो ट्रेन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा डिफरेंट वेज टू ट्रेवल टू एम्स्टरडेम फ्रॉम इंडिया और लंदन। मेरे पीछे है सेंट पैंक्रास स्टेशन, बिल्कुल महल जैसा दिखता है, और यहीं से चलती है यूरोस्टार ट्रेन जो कि लंदन को कनेक्ट करती है मेनलैंड यूरोप से, मतलब पेरिस से, एम्स्टरडेम से, ब्रुसेल से। और उसी के अपोजिट साइड पे है एक और खूबसूरत स्टेशन, और ये है किंग क्रॉस स्टेशन। पहले हम चलेंगे किंग क्रॉस स्टेशन, अंदर जाके आपको एक खास चीज बताता हूँ। यही वो खास जगह है किंग क्रॉस स्टेशन के अंदर। यहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग मूवीज जो कि काफी बड़ी मूवीज हैं, जिनकी शूटिंग या तो किंग क्रॉस स्टेशन में हुई है या फिर सेंट पैंक्रास स्टेशन में हुई है, उनका नाम परमानेंटली यहाँ पर गाड़ा हुआ है। और हमारी इंडिया की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी, जिसमें राज जो है सिमरन के साथ लंदन से यूरोप के लिए ट्रेन पकड़ता है, वो इसी स्टेशन से पकड़ता है। तो ऐसी बड़ी मूवी, शायद इंडिया की सबसे बड़ी मूवी यहाँ पर ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन कि हमारी एक ऐसी मूवी जिसका नाम यहाँ पर परमानेंटली गाड़ा गया है, आप कभी भी आएंगे आपको ये नाम यहाँ पर दिखेगा। '95 में DDLG देखी थी ना, और जो पहला सीन देखा था जब शाहरुख खान और काजोल, मतलब राज और सिमरन लंदन से पेरिस जाते हैं अंडरसी ट्रेन लेके, तो मेरा एक ड्रीम बन गया था कि यार इस ट्रेन में कभी तो सफर करना है। तो आज वो ड्रीम मेरा पूरा हो रहा है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। तो गाइस, सीन ऐसा हुआ है कि मेरी ना एक आदत है, मतलब मेरे मन में एक फोबिया रहता है कि अगर मेरी कोई अर्ली मॉर्निंग ट्रेन या फ्लाइट होना, मैं काफ़ी जल्दी आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार मैं मिस कर जाऊँगा। और वही हुआ आज भी कि 6:15 बजे मेरी ट्रेन है और मैं यहाँ पर पहुँच चुका था 1:30 बजे, और यहाँ का जो फाटक है ना टिकट लेने के लिए वो खुलता 4 बजे, तो 2.5 घंटे मुझे बिताने हैं। हालांकि स्टेशन काफ़ी बड़ा है, अगर आपको दिखाऊँ मैं, स्टेशन इज ह्यूज, ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ 5% भी नहीं है ओवरऑल स्टेशन का। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक दुकानें हैं और रेस्टोरेंट हैं, बट अभी क्या है ना रात का टाइम है तो वो भी ज़्यादातर खुले नहीं हैं, तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। एक स्टारबक्स है वहाँ पर आप कॉफ़ी वॉफी पी सकते हैं, फ्रेट है जहाँ पर आप कुसान वुसान खा सकते हैं। अदर देन दैट ऑल शॉप्स ऑल रेस्टोरेंट्स आर क्लोज। बट अगर आप नॉर्मल टाइम में आते हैं यहाँ पर आपके पास जैपनीज रेस्टोरेंट होंगे, इंडियन रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा, बर्गर, लेबनीज फूड, M&S, गुची, ज़ारा, हर तरह के शोरूम और हर तरह के रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। This is an international train route, so we have to check in at least 1.5 hours before. चेक इन करने के लिए इंटरनेशनल डिपार्चर वाली क्यू को ज्वाइन करना होता है, और वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट की तरह ही पासपोर्ट, वीजा, सिक्योरिटी चेक से आपको गुजरना होगा, सो मेक श्योर टू अराइव अर्ली। सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है जब तक आपको प्लेटफॉर्म असाइन नहीं होता। वेटिंग एरिया भी बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह क्लासी बना हुआ है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, आसपास शॉप्स हैं, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रेस्टोरेंट है, खाना खा सकते हो, चार्जिंग प्लग वगैरह सब लगे हुए हैं, यूरोपियन एज वेल एज ब्रिटिश चार्जिंग प्लग। स्टेशन में आने के लिए आपको पेपर टिकट की जरूरत नहीं है, आप ई टिकट भी कैरी कर सकते हैं मोबाइल में, और इंडिया की तरह ही आपको ट्रेन में कोच और सीट नंबर असाइन होता है। गाइस, प्लेटफॉर्म असाइन हो चुका है और हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है प्लेटफॉर्म 5 से, पर आखिरी टाइम पे ना अपने आंख और कान जो है खुले रखें, क्योंकि कभी भी ट्रेन डिले हो सकती है, उनके प्लेटफॉर्म चेंज हो सकते हैं। और ये भाई साहब वो ट्रेन है जिसके थ्रू 1995 में राज और सिमरन लंदन से यूरोप गए थे, और आज 2024 में रोहित गुप्ता जा रहा है। ट्रेन निकल चुके हैं यहाँ से, 4 घंटे में एम्स्टरडेम पहुँच जाएंगे, और बीच में पड़ेंगे 2 स्टेशन, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स और नीदरलैंड की एक और सिटी रॉटरडैम। यू कैन बुक अ ट्रेन फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, टिकट प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, सूनर वी बुक बेटर रेट वी विल गेट, एंड ऑल्सो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग ट्रेन्स आर चीपर।
टोटल डिस्टेंस में से 50 किलोमीटर समुद्र के अंदर से गुजरना होता है। टनल का नाम है चैनल टनल। टनल कनेक्ट करती है इंग्लैंड के फॉक्सटोन को फ्रांस के कोक्यूलेस से। चैनल टनल एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट इज 75 मीटर बिलो द सी बेड। टनल के अंदर ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। टनल को बिल्ड करने का प्लान तो 1802 में ही बना लिया गया था, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन ये तब किक स्टार्ट नहीं हुआ था, और फिर काफी समय के बाद 1988 में टनल का काम शुरू हुआ एंड वाज ओपन फॉर पब्लिक इन 1994। चैनल टनल क्रॉस करके इंग्लैंड से फ्रांस पहुंच चुके हैं, और मेरे पीछे आप भी देख सकते हैं ये इंग्लैंड नहीं ये फ्रांस है। थोड़ी देर में यहां से हम बेल्जियम पहुंचेंगे और फिर नीदरलैंड, और आखिरी में अपना स्टॉप होगा एम्स्टरडम। गाइस ब्रसल्स पहुंच चुके हैं, तो पीछे आप जो नज़ारे देख रहे हैं ये है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। लंदन से आप फ्लाइट के थ्रू या फिर बोट के थ्रू अपनी कार को ट्रांसपोर्ट करके भी एम्स्टर्डम जा सकते हैं। इंडिया के किसी भी मेजर एयरपोर्ट से आपको एम्स्टर्डम के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए डायरेक्ट फ्लाइट ऑप्शन, तो एयर इंडिया इज रनिंग ए डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू एम्स्टर्डम। चार घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद पहुंच चुके हैं एम्स्टर्डम के सेंट्रल स्टेशन, और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का स्टेशन। अभी यहाँ पर ये रंग बिरंगी पीली और नीली ट्रेन भी चल रही है। स्टेशन के मैं बाहर आ चुका हूँ, और स्ट्रेंजली यहाँ पर कोई इमिग्रेशन चेक नहीं था। अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू आते तो वहाँ पर इमिग्रेशन चेक होता है, पर यहाँ पर तो ऐसा लगा जैसे आप लोकल ट्रेवल कर रहे हैं। और मैं बाहर निकल चुका हूँ बिना किसी इमिग्रेशन, बिना किसी सिक्योरिटी चेक के, और ये बाहर का नज़ारा है यहाँ का स्टेशन का। मॉल की तरह ही है, काफ़ी बड़ा है। एम्स्टर्डम में करेंसी चलती है यूरो, और अगर आपने गलती से नहीं लाई है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेशन में ही करेंसी एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे पीछे आप देखेंगे तो करेंसी एक्सचेंज की एक आउटलेट है। इतना बड़ा स्टेशन है इसलिए इसको मैं मॉल बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर आपको नाई की दुकान भी दिखेगी, विक्टोरिया सीक्रेट जैसा ब्रांडेड शोरूम, डंकिन डोनट्स, किको मिलानो, और भी बहुत सारे शोरूम जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, मतलब आपको लग्जरी ब्रांड भी आपको यहाँ पर स्टेशन में दिख जाएंगे। स्टेशन से मेरा होटल जो है सिर्फ 10 मिनट की वॉक पे है, तो मैंने डिसाइड किया राधर धन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या टैक्सी, सीधा वॉक करके चलते हैं, जिससे आपको शहर के नज़ारे भी दिखाता चलूँगा। स्टेशन के बाहर का नज़ारा देखिए, ये स्टेशन बाहर से ना किसी राजे का शाही महल दिख रहा है। वो रहा सेंट्रल स्टेशन, और ये रहा वो होटल जहाँ पर मैं अगले 5 दिन रुकने वाला हूँ। छोटा सा रूम है, साफ सुथरा है, बट और छोटा सा साफ सुथरा बाथरूम भी है, बट अगर आ गया ना मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है, क्योंकि मुझे रहना था सिटी सेंटर के बीच में, क्योंकि सिटी सेंटर के आसपास ही एम्स्टर्डम की 90% अट्रैक्शन जो है वॉकेबल डिस्टेंस में है। और दूसरी चीज़ है एयर कंडीशनर, मुझे गर्मी में चाहिए होता है, तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको यार क्या चाहिए। आपको सिटी सेंटर के बीच में चाहिए, कम ट्रैवल करना पसंद है, या फिर पैसा बचाना पसंद है, क्योंकि अगर आप थोड़ा दूर चले जाएंगे तो आपको इससे अच्छे होटल इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ कम प्राइस में भी मिल जाएंगे, बट आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम ट्रैवल टाइम जो बढ़ जाएगा। आपकी अपनी प्रेफरेंस है आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए था सिटी के बीच में होटल, तो उसके हिसाब से मुझे ये ठीक लगा, 15,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं यार, क्योंकि रात को 11 बजे से सोया नहीं हूँ, और मतलब एक तरह से 18-19 घंटे हो चुके हैं और खाना भी नहीं खाया है। भूख तो लगी है, बट अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए। 2-3 घंटे सोता हूँ, फिर उठ के बाहर चलेंगे, कुछ खाना खाएंगे और आपको सिटी के नज़ारे दिखाऊंगा, फिर शाम को अपने भाई साहब को लेने जाएंगे एयरपोर्ट। If you are coming solo, then you can use World's number one hostel booking website, Hostel World, and book a stay for 1500 to 2000 rupees per night. मेरे सामने है मैनेकन पीस फ्राइज। ये हॉलैंड का सबसे पॉपुलर फूड चेन है, और इनकी फ्राइज मानी जाती है कि दुनिया में सबसे बेस्ट है। It's good यार, but ऐसा कुछ खास नहीं है जितनी हाइप है। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया या दूसरे वर्ल्ड के कोनों में नहीं खाया होगा। अच्छे फ्राइज हैं, आते हो तो खा सकते हो। अलग अलग डिप्स के साथ देते हैं, आपको चूज़ करनी पड़ती है आपको कौन सी डिप लेनी है, तो आप एक डिप ले सकते हैं उसके साथ। तो काफ़ी अच्छे फ्राइज हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट नथिंग एक्सेप्शनल कि यार
ऐसे फ्राइज दुनिया में कहीं नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। होटल से 600 मीटर की वॉक करके मैं आया हूँ सुपर स्टोर अल्बर्ट हेज, और होटल रिसेप्शन से मुझे बताया था कि पूरे नीदरलैंड में सबसे सस्ती ग्रॉसरी यहीं पे मिलती है, तो इसलिए अंदर चलते हैं। मुझे मेनली लेना है पानी और च्युइंगम, पानी जरूर ले ले क्योंकि यहाँ पर ना हाफ लीटर की बॉटल भी हम जो आपको नॉर्मल स्टोर्स में 300 से 400 रुपए में मिलेगी, और अदरवाइज आप पानी की एक बॉटल रख सकते हैं जो कि जगह जगह यहाँ पर गवर्नमेंट से प्रोवाइड किए वाटर पंप से फ्री में आप वहाँ पर पानी भर सकते हैं, काफी साफ पानी होता है। तो चलो अंदर चलते हैं, पानी ले लेता हूँ, च्युइंगम ले लेता हूँ, साथ ही साथ आपको ग्रॉसरी के आइटम्स के प्राइसेस बता देता हूँ ताकि अगर आप कल को यहाँ पर आते हैं और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पर कुकिंग का प्रोविजन है तो आप रेडीमेड फूड या ग्रॉसरी लेते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा आपका फूड का बजट कैलकुलेट करने के लिए नीदरलैंड ट्रिप के लिए। स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जो रिवर है यहाँ पर आप देखेंगे कि बोट क्रॉस चल रहे हैं। बेसिकली एम्स्टरडैम जो है यहाँ पर हर जगह कनाल ही कनाल है, हर जगह पानी है और ऑलमोस्ट हर जगह से बोट क्रूज चलते हैं। आप यहाँ से नहीं तो म्यूजियम स्क्वायर से, नहीं तो एन फ्रैंक म्यूजियम की तरफ से, कहीं पे भी जहाँ पर पानी है ना वहाँ पर आपको बोट क्रूज दिखेंगे, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं भी करूँगा कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा, पर आज हम जा रहे हैं पहले एयरपोर्ट जहाँ से अपने भाई को लेने जा रहा हूँ। तो मेरा भाई पहली बार इंडिया से बाहर आ रहा है तो उसको लेने जाना है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट अगर आपको जाना है या फिर एयरपोर्ट से वापस आना है ना तो बेस्ट जगह है एम्स्टरडैम सेंट्रल स्टेशन। यहाँ से ट्रेन लेके वहाँ जाएं, वहाँ से ट्रेन लेके यहाँ आएं, तो मैं भी यही करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ स्टेशन, वहाँ से टिकट लूँगा और वहाँ जाऊँगा। इन बिटवीन ट्रैम चल रही है रोड पर और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। देखिए एक और ट्रैम आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। एयरपोर्ट के लिए टिकट मैंने ले ली है, टिकट का प्राइस है 5.90 यूरो, मतलब 450 रुपये इंडियन करेंसी में। इस 15 मिनट लगे और हम लोग सेंट्रल स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। गाइस आपको पता है कि हैनेकन बियर एम्स्टरडैम की है, भाई साहब को पहुंचने में भी 45 मिनट है, तो मैंने भी मौके का फायदा उठा के हाइनेकन बार में एक हाइनेकन बियर मार ही ली। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पहला इंटरनेशनल? बहुत बढ़िया, पहली बार फ्लाइट में बैठ के मजा कैसा आया? बहुत मजा, फ्लाइट में पहली बार नहीं बैठे, बट इंटरनेशनल फ्लाइट में कैसी हुआ? और एम्स्टरडैम पहुंच के कैसा लगा? अभी तक अच्छा लग रहा है, बस अभी तो हमने अगले 19 दिन जो है यहाँ पर दारू शरू पीनी है, फुल टू यूरोप को एंजॉय करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इफ यस तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड और एक्स पे फॉलो कर ले फॉर शॉर्ट ट्रैवल स्टोरी।